हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा हम अध्ययन कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम का। और आज हम बात कर रहे हैं, जो हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया है, श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र, उसके ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक की कि ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न पथों के द्वारा या विभिन्न मार्गों के द्वारा किस तरह से विखंडन होता है। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो मानव है उसके अंदर या जंतुओं में जो आपकी श्वसन की क्रिया है वो कितने तरीके से होती है। वो तीन प्रकार से होती है। पहली होती है आपकी बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन होता है जिसे हम कहते हैं सांस लेना, कि हमने हवा को अंदर लिया और हवा को ही बाहर छोड़ दिया, जिसमें हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, तो इसे कहते हैं बाह्य श्वसन की क्रिया। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा गैसों का आदान प्रदान, कि हमारे शरीर में जब फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जो कूपिकाएँ होती हैं उनकी जो उनके द्वारा रुधिर वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं, तो उन रुधिर वाहिनियों में जो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित रहता है उसके द्वारा वो ऑक्सीजन बन जाती है और नया पदार्थ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में क्या हो गई, हमारी फैल गई। और इसी तरीके से फिर उस हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगी, वो भी बन जाती है और बनकर पूरे शरीर में से एकत्रित होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है हमारा कोशिकीय श्वसन, या जिसे हम आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। नाम से ही आपको इसमें पता लग गया है बेटा कि वह श्वसन की क्रिया जो कोशिकाओं के अंदर हो रही है आपकी, उसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन, जिसमें जो आपकी जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम बात करते हैं पादप की और जंतुओं की, तो उनमें जो श्वसन की क्रिया पाई जा रही है वो किसके पाई जा रही है, कोशिकाओं के अंदर पाई जा रही है। अब ये मैंने आपको एक पाथवे दिखाया है कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वो हमारे शरीर में अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। तो ये देखिए आप, ऑक्सीजन गैस को हमने लिया, वो कहाँ आई, हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर कहाँ आई, हमारे रुधिर में, रुधिर से फिर वो किस में पहुँची, रुधिर में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक जो पदार्थ बनेगा उसके द्वारा वो कोशिकाओं में पहुँचेगी, कोशिकाओं से फिर वो क्या पहुँचेगी, अगर हमारे भोजन तंत्र में जाएगी तो वहाँ जाकर वो भोजन का अपघटन करेगी, जिससे बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होगी। अब जब वो ऊर्जा मुक्त हो रही है, कार्बनिक पदार्थ हमारा टूट रहा है, तो CO2 गैस हमारी मुक्त होगी, वो कोशिकाओं में पहुँचेगी, कोशिकाओं से वो ऊतकों में पहुँचेगी, ऊतकों से रुधिर में पहुँचेगी, रुधिर से फेफड़ों में पहुँचेगी और फेफड़ों से फिर वो हमारी शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन हमारी अंदर आएगी और जो CO2 गैस है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो किस तरीके से टूटता है। तो यहाँ देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से भी ये टॉपिक, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि एक ग्लूकोज का जो अणु होता है उसका क्या सूत्र है, C6H12O6, यानी वो कैसा कार्बन है, वो आपका 6 कार्बन वाला यौगिक है। ग्लूकोज कहाँ बनता है, आपके जो कोशिका द्रव्य है, शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर वो पाया जाता है। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन का जब अपघटन हो जाता है, तो हमने बात करी थी पाचन तंत्र में कि जो आपका कार्बनिक पदार्थ है वो अपने सरलतम रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतम रूप किस में टूटता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में। अब वो कोशिका द्रव्य में पहुँचने के बाद फिर से टूट जाता है किस में, पाइरूवेट में। पाइरूवेट क्या होता है, वो 3 कार्बन वाला यौगिक होता है जिसका फार्मूला है C3H4O3। तो यानी वो 3 कार्बन वाला यौगिक है हमारा। ये पहुँच जाता है अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर ग्रह, तो या हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अब वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो जो आपका ऑक्सीजन है वो किस तरीके से ग्लूकोज को या पाइरूवेट को तोड़ रही है। तो पहली हम क्रिया देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन जब उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में जो आपका ग्लूकोज का अणु है या पाइरूवेट का जो अणु है वो कैसे टूट जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, साथ ही उस क्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होती है, लेकिन वो ऊर्जा का जो मात्रा रहती है वो बहुत कम रहती है। ये क्रिया कहाँ पाई जाती है, ये क्रिया जो हम बड़े बड़े औद्योगिक स्तर हैं उनमें अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं इस क्रिया का उपयोग, जिसमें सूक्ष्म जीव हमारा इस क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी हमारे अंदर जंतुओं के अंदर बहुकोशिकीय
जीवों के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किसमें टूट जाती है, ग्लूकोज को किसमें तोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। और यहाँ ऊर्जा की मात्रा कितनी रहती है, 673 किलो कैलोरी। तो यानी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा देता है, जिससे हम अपनी सारी शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं। उसके बाद तीसरा होता है O2 का अभाव, यानी जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो स्थान कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियाँ। तो हमारी मांसपेशियों में जब हम बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जब हम लगातार कसरत करते रहते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में जो ग्लूकोज है या ये कहिए कि जो पाइरूवेट है वो टूट जाता है लैक्टिक अम्ल में, और थोड़ी बहुत वहाँ पर हमें ऊर्जा मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि 21 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें वहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपस्थिति और अभाव, इन तीनों स्थितियों में विभिन्न जो आपके पदार्थ हैं उनके रूप में टूट जाता है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। अब हम बात करते हैं कि जो आपके श्वसन अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। पादपों में, जंतुओं में, सब में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। पादपों में आपने देखा होगा कि पौधों में हमने पढ़ा भी था कि क्या पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके गैसों के आदान प्रदान में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो कोशिकाएं पादप में भी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी बहुत बड़े स्थान पाए जाते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, उनके द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। और हमारी तरह पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी आपका ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस को वातावरण में मुक्त करते हैं। लेकिन जो CO2 वो मुक्त कर रहे हैं उसे वो अपने ही कौन सी प्रक्रिया के लिए यूज़ कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता दिन के समय में, लेकिन रात के समय में हम कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, CO2 गैस, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो वह जो CO2 निकालते हैं वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। जबकि जो दिन के समय में वो CO2 निकालते हैं उसे वो खुद ही उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने में। उसके अलावा जो पौधे हैं उनमें वातरंध्र भी पाए जाते हैं जो तनों में उपस्थित होते हैं, और ये वातरंध्र भी श्वसन क्रिया में पौधों में बहुत ज़्यादा उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जंतुओं में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो सभी जंतुओं में अलग अलग अंग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जलीय जंतुओं की, जैसे हम बात करें अगर मछली की, तो मछली में त्वचा और उसकी जो आप उसका जो मुंह है वो आपका श्वसन अंग की तरह कार्य करता है, और उनसे वो जो हवा लेते हैं जल में जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में पाई जाती है, घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसे वो अपनी मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, और गिल्स होते हैं उनमें फेफड़ों की जगह पर जहाँ वो श्वसन अंग का काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके जो स्थलीय जंतु हैं, स्थलीय जंतुओं में आपका जो मेंढक है वो जब अपनी लार्वा अवस्था में होता है तो वो गिल्स के द्वारा और त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, जबकि जब वो वयस्क हो जाता है तब वयस्क अवस्था में फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। कॉकरोच में या बिच्छुओं में आपके कुछ अलग संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बुक लंग्स कहते हैं, और ये बुक लंग्स ही उनमें श्वसन के लिए सहायक होते हैं जो उनके उदर यानी पेट में, ठीक है जी, उनके पेट में स्थित होते हैं। तो यहाँ तक हमारा था कि जंतुओं में और पौधों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, और या किन अंगों के द्वारा पौधे और जो जंतु हैं चलिए और स्थलीय वो श्वसन क्रिया को करते हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।